हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आपके लिए मैं एक लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट का कोर्स। गाइस, ये स्टॉक मार्केट का कोर्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, ये बिल्कुल सीरियस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है जो बिल्कुल सीरियस है अपना करियर टेक्निकल एनालिसिस में परस्यू करने के लिए। और गाइस, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिस चैनल के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ गाइस, उस पर वो लोग ही जुड़िएगा जो आगे इस पर अपना फ्यूचर देखते हैं या फिर आगे ही इस पर अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को इसी तरीके से प्रोवाइड होगा। आपके साथ बहुत चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ गाइस। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप बिगनर हो तो एडवांस की ट्रेनिंग आपको इधर से मिलेगी, यानी कि बिगनर इन द सेंस कि आपको छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, कि आपको स्टार्टिंग का पता है बेसिक कि कैंडल्स क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होती है गाइस, ट्रेंड लाइंस कैसी बनाई जाती है गाइज़, ये सारी चीज़ें अगर आपको छोटा मोटा भी पता है तो अब हम एडवांस की ट्रेनिंग लेंगे गाइज़। एडवांस की ट्रेनिंग में जब आप देखते हैं कि जब आप पेड कोर्सेज पर जाते हैं, जब आप कोई पेड कोर्सेज पर जाके सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो वो आपको बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि हम आपको चार्ट पैटर्न देखना बताएंगे, आपको ट्रेंड लाइंस बताएंगे, कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स आपके साथ सजेस्ट करेंगे, कैसे ढूंढते हैं गाइज़। आपके साथ भी ये सब करा जाएगा, पर गाइज़ आपको लाइव मार्केट पे आपको दिखाया जाएगा कि पर्टिकुलर चार्ट क्या बन रहा है। और गाइस, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो गाइस, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने जो मुझे जो आता था उसकी जो मेरी ट्यूनिंग थी वो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग सही नहीं थी, वो ट्यूनिंग की मैंने थोड़ी बहुत स्टडीज अपने एक सर से ली हैं, मैं उन सर का भी आपको बताऊँगा। वो भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं, उन पर भी आप जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। उन्होंने भी मुझे जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस की जो आगे की जर्नी थी उसको अच्छे से एक ट्यून करे, परफेक्ट ट्यूनिंग में लेकर गए और अब मैं बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। सो गाइस, हमें किस तरीके से मार्केट को देखना है गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अभी थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन में हूँ और गाइस मैं 10th क्लास से स्टॉक मार्केट पे चार्ट्स को देख रहा हूँ। सो गाइस, मुझे 5 साल हो गए हैं चार्ट्स को देखते हुए और मैंने कहीं नहीं सीखा। मैंने टीवी से, मैंने यूट्यूब से, मैंने न्यूज़ से, ये सारी चीज़ें से सीखा है। सो गाइस, मैं परफेक्ट नहीं हूँ आप लोगों को समझाने में, जो लोग सीख के आते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे सिखाना है, पर गाइस मेरे जो पर्टिकुलर मैं जब चार्ट देखता हूँ तो मुझे अपने आप पता चल जाता है कि इस पर क्या मूवमेंट हो सकती है, ये कहाँ तक जा सकता है, इसमें क्या हलचल हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस वो चार्ट मैं 5 साल से लगातार देखते हुए आ रहा हूँ। गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा ज़ीरोधा का पैनल है और ज़ीरोधा के पैनल पे गाइस आप समझ सकते हैं कि 5 पॉइंट्स होते हैं जिसपे हर एक हम पर्टिकुलर एक पे 100 स्टॉक 20 स्टॉक्स रख सकते हैं। तो यानी कि मेरे ज़ीरोधा के पैनल में टोटल 100 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स हैं जो सेम रहते हैं, मैं उन्हें नहीं बदलता या फिर कभी कभार बदल देता हूँ, और उन स्टॉक्स को मैं लगातार 5 साल से अभी तक देखते हुए आ रहा हूँ। सो गाइस, मुझे पता चल गया है कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या होता है। अगर मैं उन पर्टिकुलर स्टॉक का जैसी चार्ट देख लूँगा, अगर उस पर कोई पैटर्न बन रहा होगा तो मेरी आंखों के सामने तुरंत आ जाएगा, बिना ट्रेंड लाइन, बिना सपोर्ट ढूंढे, बिना ब्रेकआउट कुछ करे, मैं आपको आंखें देखे बता सकता हूँ। सो गाइस, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। आपको पर्टिकुलर 100 स्टॉक्स है तो आपको 20 या 25 या 50 स्टॉक्स में पैटर्न देख सकता है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख सकता है, ब्रेकआउट स्टॉक्स देख सकते हैं, पर आपको जो आगे के 50 है, जो और 50 है, उन पर आपको शायद कुछ ना दिखे। सो उन पर ट्रेड कैसे लेना है? सो गाइस, वो होता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सेंटीमेंट है, उस स्टॉक का जो बिहेवियर है, वो आपको समझना होगा। ये गाइस कैसे आता है कि अगर आप रेगुलरली पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में ध्यान दें और लगातार उन्हीं स्टॉक्स को देखते रहें। गाइस ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर कोई न्यूज़ देखते हैं उस पर आपको कोई स्टॉक बता दिया कि इस स्टॉक पर पॉजिटिव न्यूज़ आई है और मुझे कोई ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा है तो मैं स्टॉक को बाय कर लूँ। नहीं गाइस, आपको पर्टिकुलरली जो स्टॉक आप एनालाइज करेंगे, आप उन्हीं पे ट्रेड करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। गाइस अगर आप बिगनर हैं और आप देख रहे हैं कि मुझे मार्केट में लॉस हो रहा है, सो अभी आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने लॉस को रिकवर करने के लिए जो आप तरीका ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से आप लॉस कर रहे हैं उस तरीके को आप हटाइए और दूसरा एक बिहेवियर लेकर आइए। गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट पर एक ही तरीके से चलेंगे, अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे और अगर वो पैटर्न आपको लॉस दे रहा है तो आगे जाके भी आपको स्टॉक मार्केट लॉस ही देगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर पैटर्न लॉस दे रहा है तो आपको कोई दूसरे पैटर्न पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाके पैसा कमा पाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जब मैं आपको ये कोर्स सिखाऊंगा
जब मैं आपको ये इसके बारे में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस समझाऊंगा गाइस। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स यानी कि आप कैश में बाय करिए इंट्राडे पे, आप 2 स्टॉक लीजिए, आप 3 स्टॉक लीजिए, आप 4 स्टॉक लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। बस आप ये देखिए कि जो लेवल आपने सोचा, जो लेवल आपने चार्ट में मेरे से सीखा कि गाइस आपको इस लेवल पे बाय करना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, क्या वो एक्चुअली में उसे मीट कर रहा है कि या नहीं कर रहा, या 75% तक वो टारगेट तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने उसकी तरफ देखना है। होगा ये गाइस, मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट पे लोग पैसा कमाने ही आते हैं गाइस, मैं भी पैसा कमाने ही आता हूँ स्टॉक मार्केट में, सबका एम ही यही है। सो गाइस आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप हैवी क्वांटिटीज में पैसा कमाना चाहते हैं और स्टार्टिंग में लॉस नहीं करना चाहते, तो आपको कुछ टाइम अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि नहीं मैं अभी लॉस रोक दूंगा या मैं अभी ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा। सबसे पहले मैं एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करूंगा और सबसे पहले देखूंगा कि पर्टिकुलर जो मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो टारगेट तक मीट हो रही है या नहीं हो रही है, या अगर मैंने 10 बार ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करा तो कितनी बार जाके मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं या स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको सारे बिहेवियर समझाऊंगा कि आपको पर्टिकुलरली क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको बात करूँ निफ्टी के बारे में, या अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर टाइटन के बारे में भी आपसे मैं बात कर लिया जाऊँ, या बाटा के बारे में बात कर लिया जाए, तो वो कैसे ट्रेड करते हैं वो, या गाइस ट्रेड करते हैं 2 दिन ऊपर गए रेंज में आए, फिर ऊपर गए 2 दिन फिर रेंज में आए, फिर 2 दिन ऊपर गए फिर रेंज में आए। तो गाइस ये अगर लगातार हम देख रहे हैं टाइटन में चल रहा है या बाटा पे चल रहा है, सो गाइस उसके बाद अगर हम देखते हैं एक रिवर्सल आता है तो रिवर्सल पे अभी हमें ट्रेड नहीं करना जब तक हमें एक परफेक्ट सिग्नल ना मिले। दूसरी बात, अगर हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आगे जाके भी ये पैटर्न फॉलो करेगा, जब तक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तब तक हमारे पास उस पर्टिकुलर स्टॉक में से पैसा आना ही आना है। सो गाइस अगर मैं स्टॉक को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि गाइस उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो रहा है, अगर उसमें पैटर्न बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, चेक कुछ भी हो रहा हो। सो गाइस ऐसे आपको 100 स्टॉक्स, या आपको मैं सबसे पहले ट्रेनिंग देने वाला हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पर। सो गाइस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप एक वॉच लिस्ट के अंदर डालिए। हाँ गाइस अगर आपको तकलीफ होती है कि जिस पर्टिकुलर पैनल पे मैं ट्रेड करता हूँ, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से मैं ट्रेड करता हूँ, उसको आप अलग रखिए, और जो ये लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके लिए एक दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं जो सिर्फ चार्ट के लिए अच्छा है। जैसे जीरोधा मुझे एक चार्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप एक जा सकते हैं। और अप स्टॉक्स है जो चार्ट के लिए मुझे एक अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर, जो जिस तरीके से मैंने देखा है, तो आप इन दोनों पे जा सकते हैं, सिमिलर इनका चार्ट का देख सकते हैं, तो पैट सिस्टम है। आप वहाँ जाके चार्ट की स्टडी करिए, वहाँ पर जाके आप पैटर्न की स्टडी करिए, आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके 1-2 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। और जो मैं आपको सॉफ्टवेयर या पैनल दूंगा, या मैं आपको जीरोधा बताऊँ किस पे बाय, किसके थ्रू आप चार्ट की एनालिसिस करें, या फिर अगर मैं आपको अप स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, मैं आपको जल्द बता दूंगा गाइस, तो उस पर आपको जो मैंने स्टॉक्स बताया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, सिर्फ आपको उन्हीं को स्टॉक्स को रखना है, उसके अलावा कोई स्टॉक्स को नहीं रखना। और जब आपकी मार्केट बंद हो, जब आप शाम को फ्री हो, तो पर्टिकुलरली आपको वो सारे स्टॉक्स को देखना है, समझना है कि उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है, और उसके बाद आपको नोट करना है। आप गाइस कॉपी में नोट ना करिए, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, आप एक्सेल पे जाके उसे नोट करिए, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट वर्ड पे जाके उसे नोट करिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास वो डाटा सेफ रहेगा। आपके पास नोटबुक पे कभी कभार जाके डाटा सेफ नहीं रह सकता, पर अगर आप उस पे लिखेंगे लैपटॉप पे तो आपके पास डाटा सेफ रहेगा, या फिर अगर आप कोई और सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आप नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट पे आने वाले कल में क्या होने वाला है, और वो उस लेवल तक ज़रूर जाएगा। गाइज कुछ होते हैं स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स या पर्टिकुलर स्टॉक्स इंडेक्सेस होते हैं जो हमें क्लियरली टाइम पीरियड नहीं बता पाते कि वो वहाँ तक कब तक रीच करेगा, पर गाइज वो उस लेवल तक रीच करता है अगर टाइम पीरियड हमें सजेस्ट करता है, जिस तरीके से हम कोई गाइज एक पैटर्न बनाए, वो पैटर्न को बनने में कितनी देर लगी है। सो अगर उस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो वो अपने टारगेट तक मीट करने में कितनी देर लगाएगा, वो जो पैटर्न बना उसका 50% तक टाइम लगा सकता है, या फिर 100% जितना पैटर्न बनने में टाइम लगा उतना टाइम वो उस टारगेट तक पहुंचने में लगा सकता है। सो गाइस हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, हम श्योर नहीं हो सकते कि वो टारगेट कब तक मीट करेगा। जैसे कि आप कल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे देख सकते हैं कि जो मेरा टारगेट था वो था कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, यानी कि हमें बैंक निफ्टी में कम से कम
1000 पॉइंट तक की तो रैली आराम से मिल सकती है अगर वो उस लेवल के ऊपर निकलता। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी दे जाएगा, और आप देख सकते हैं कि उसने उस लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया। सो गाइस, हम टाइम एनालिसिस नहीं कर सकते कुछ चीज़ों में। सो बस आपको अगर पता चल जाए कि आपको कब बाय करना है, तो आप टाइम एनालिसिस के थ्रू एक फ्यूचर लेकर जा सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कैश भी बाय नहीं कर सकते, ये अगर आपको पता है वो इंट्राडे के लिए स्टॉक है, तो आप कैश के थ्रू या फ्यूचर के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। सो गाइस, आपको इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज बना के दूंगा और आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा 24/7। हमारे बीच में 24/7 बातें होती रहेंगी। और गाइस, मैं आपसे सलाह ये दे रहा हूँ कि सिर्फ सीरियस बंदे ही जुड़िए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बहुत चीज़ें का इन द सेंस है कि आपको इकोनॉमिक का बिहेवियर समझाऊंगा कि इकोनॉमी के बिहेवियर में या पर्टिकुलरली कोई कमोडिटी के बिहेवियर में, जो US मार्केट चल रही है, जो जो बाहर सेंटीमेंट चलते हैं उसके बिहेवियर में मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेली बेसिस पे। और जो गाइस हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली जो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जो डॉलर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या हमारी मार्केट पर रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएंगी। कैसे आपको चार्ट खोलते ही आप देख लीजिए, देखेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी एक्सपीरियंस से। सो गाइस, मैं भी जब स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस, जब भी मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट पे आया था, मैं भी गाइस न्यूज़ देखता था। न्यूज़ के बेसिस में वो लोग जो स्टॉक्स बताते थे उन पर ट्रेड करता था, और मैं गाइस 100% में से 90% लॉस में गया हूँ। गाइस, होता ये था कि जब वो कोई स्टॉक बताते थे और हम बाय करते थे, वो स्टॉक एक मिनट के लिए ऊपर जाता था और उसके बाद वो लो लेवल पे जाके ही अपनी क्लोजिंग देता था। सो गाइस, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो गाइस आपको आखिरी में जाके लॉस ही होने वाला है। जब तक गाइस, अब वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, जो आपको टीवी पे बैठे हुए जो एनालिस्ट देखते हैं गाइस, वो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें बहुत नॉलेज है। पर गाइस, जिस तरीके से वो कॉल्स देते हैं, वो कॉल्स वो अपने मतलब के लिए देते हैं, इन द सेंस कि उनकी होल्डिंग्स होती है या उनके क्लाइंट्स की होल्डिंग होती है, तो उन्हें एग्जिट करवाने के लिए ज़्यादातर वो कॉल्स होती हैं। 50% या 60% कॉल्स ऐसी ही मैंने देखी है जो ज़्यादातर हुई हैं। सो गाइस, अगर आपको खुद टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा तो आप खुद ही वहाँ पर पैसा कमा लेंगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक स्टॉक मार्केट का कोर्स लेकर आ रहा हूँ, और इसके साथ हो सके तो मैं और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगा जो मेरे से ज़्यादा अच्छे हो और उन्हें कोई पर्टिकुलर फील्ड में, स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस की कोई पर्टिकुलर चीज़ में और भी ज़्यादा नॉलेज हो, तो मैं उसके साथ भी जुड़ने की कोशिश करूँगा और आपके इस चैनल पे लेकर आऊँगा उन्हें, और आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से काम होने वाला है। गाइस, इस ये जो पूरा 10 दिन बचे हैं इस महीने को एंड होने पे, उस पर मुझे अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है कि किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं। सो गाइस, ये 10 दिन के लिए आप थोड़ा टाइट बैठिए, और उसके बाद आपकी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट की, जो टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी है, वो गाइस बहुत अच्छी रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको एक ही स्ट्रैटेजी में टिकना है, और गाइस मैं आपको एक स्ट्रैटेजी पर टिकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टॉक का सेंटिमेंट पता चल जाए, और अगर गाइस आप देखते हैं कि मार्केट पे अगर वो भी कभार होता है, एक कभी कभार एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी स्ट्रैटेजी फेल होना शुरू हो जाती है और आपको कोई नई स्ट्रैटेजी में शिफ्ट करना हो जाता है, पर आप उसी में इतने साल से काम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कैसे करना है। तो गाइस, इसी चक्कर में आपको एक स्टॉक का सेंटिमेंट, उसका एक बिहेवियर अगर समझ में आ जाए, सो आप स्टॉक मार्केट का जो भी रैपिडली जो अडेप्शन जो करती है, जो भी सेंटिमेंट चेंज करती है, आप उसके साथ फ्लो में चलेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। गाइस, सबसे पहले बात, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मेरे लिए, जो मुझे लगती है कि जो टेक्निकल एनालिसिस करते समय जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पैटर्न्स। गाइस, अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई पैटर्न पता चलता है, ये स्टॉक क्या पैटर्न फॉलो करता है और आगे जाके भी वो वही पैटर्न फॉलो करता है, सो गाइस हाँ, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम एक ही स्टॉक में लगातार हर दिन पैसा कमा सकते हैं गाइस। सो सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा पर्टिकुलर स्टॉक्स की, कैसे मैं आपको ये ट्रेनिंग दूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना बताऊंगा। गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत सी यूट्यूब चैनल पे बताया होगा, अगर आपने कोई पेड कोर्सेज लिए होंगे आपको बताया होगा, आप जितने भी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलेगी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता, उल्टा आप कन्फ्यूज होंगे। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है दो नीचे सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन से आप बना सके, दो ऊपर रेजिस्टेंस जो आप ट्रेंड लाइन से बना सके,
उससे अगर आप एक रेंज निकाल लेंगे या अगर आप एक चीज़ निकाल लेंगे तो आप अच्छा खासा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। गाइस अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज में बहुत टाइम से काम करता है तो आग आप हर दिन उस स्टॉक में ही पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हम इंडिकेटर्स की स्टडी करेंगे। गाइस आप अगर कोई कोर्सेज लेते हैं तो आपको वो क्या सिखाते हैं कि जो भी पर्टिकुलर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं आपको सब सिखाने की कोशिश कर देते हैं। ADR सिखाने की कोशिश कर देते हैं, बॉलिंगर बैंड सिखाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके के आपको इंडिकेटर सिखाने की कोशिश कर देते हैं और आप सब चार्ट में लगा लेते हो तो आप गाइस कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको सिर्फ 5 इंडिकेटर की स्टडी में सिखाऊंगा। 5 इंडिकेटर की स्टडी इन द सेंस कुछ वैसे इंडिकेटर्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइस सबसे पहले हम वॉल्यूम की स्टडी करेंगे, वॉल्यूम पर्टिकुलर चार्ट में लगा के कैसे एनालाइज करते हैं। दूसरी बात MACD, RSI, 3 ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। पीविट गाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक घंटे के लिए ट्रेड लेते हैं, यानी कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर वो चीज़ों के लिए आप बने हुए हैं तब आपके लिए एक पीविट बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। या पीविट जो अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको अभी सिखाने वाला हूँ और आपको टारगेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए, या स्टॉप लॉस फाइंड करने हैं तो उसके लिए पीविट पॉइंट एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो आपको एक बूस्टअप देगी आपके टारगेट तक मीट करने के लिए और आपको एक कह सकते हैं कि एक बूस्ट करेगी कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वो हम स्टार्टिंग के लिए ही पीविट पॉइंट रखेंगे, उसके बाद हम उसे हटा देंगे जब हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक का बिहेवियर क्या है। तो उसके बाद जो 5वां इंडिकेटर है वो गाइस है मूविंग एवरेजेस। इन 5 की हम स्टडी करेंगे, उस पर से हम पर्टिकुलरली पीविट पॉइंट आखिरी में जाके हटा देंगे और हमारे पास सिर्फ 4 स्टडीज बचेंगे। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो क्या है, हाउ टू ट्रेड विद इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स। गाइस आप देखते हैं चाइना और US के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो सऊदी ऑयल पे जो हमने देखा कि ड्रोन का अटैक हुआ उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे पर्टिकुलरली कोई कंपनी जो उस पर इन्वेस्टेड है या फिर हम देख सकते हैं कि उस सऊदी जो ऑयल से उससे रिलेटेड है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझने आनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं आपको एक ऐप बताऊँगा, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। उस पर ऐप पे गाइस है क्या, उस पर पर्टिकुलरली ऐप पे जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से लेके फाइनेंशियल टाइम्स और हम देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, ये जितनी भी अलाइवमेंट, ये सारी की सारे जो न्यूज़ बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं गाइस वो पर्टिकुलरली उस ऐप के अंदर है। वो पर्टिकुलरली वही न्यूज़ प्रोवाइड कराती है जो हमारी स्टॉक मार्केट से या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड होती है। सो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिलेगी। वो हर मिनट की अपडेट होती है उस पर, अगर हम देखें हर मिनट वो ऐप में अपडेट हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ से आपको कैसे पर्टिकुलरली कौन से न्यूज़ को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस चैनल के थ्रू। गाइस दूसरी बात, कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। गाइस एक रेंज से कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर निकला यानी कि ब्रेकआउट हुआ, कोई पैटर्न बना, पैटर्न का एक रिवर्सल देख रहा है तो हम उसे भी एक ब्रेकआउट कह सकते हैं या पैटर्न कंप्लीशन कह सकते हैं। सो गाइस उसके लिए भी आपको किस तरीके से ढूंढना चाहिए और ब्रेकआउट होने के बाद आपको कब बाय करना है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप देखिए इम्पॉर्टेंट पे मैंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सीखने के बाद भी आप गाइस लॉस कर सकते हैं अगर आपको ये ना पता हो कि किस टाइम पे आपको अपनी बाय पोजीशन खड़ी करनी है और किस टाइम पे आपको निकलना है। सो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गाइस अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है, एक चैनल है, चैनल का उसने ब्रेकआउट दिया तो आपको तब बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए और वो आपके टारगेट मीट कर जाएगा। अगर वो नीचे आता है तो गाइस आप लॉस बुक कर लेंगे? नहीं गाइस, आपको ऐसा काम नहीं करना। अगर कोई चैनल है वो अगर ब्रेकआउट देता है, मैंने आपको कोई 10 स्टॉक्स दिए, वो 10 स्टॉक में से हमने देखा कि उस 10 में से 10 5 स्टॉक्स हैं जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है या पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, हमें पता चल गया कि आज इसका अभी बिल्कुल इसी टाइम पे ब्रेकआउट हो गया है, तो हम उस टाइम पे उसे बाय करेंगे? नहीं करेंगे। हम बाय कब करेंगे? जब वो ऊपर चले जाएगा और वो दोबारा जब नीचे आएगा और जिस लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया उस पर सपोर्ट लेके रिवर्स करने की कोशिश करेगा तब हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तब हम अपनी पोजीशन बनाएंगे क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा वो एक रियल ब्रेकआउट है, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, फॉल्स सिग्नल नहीं दे रहा। क्योंकि जब उसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, जब नीचे आया तो उसी लेवल पे उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से रिवर्स करा, यानी कि ये एक प्योर ब्रेकआउट है और हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब हमारे टारगेट्स मीट होंगे तो परफेक्टली टारगेट मीट होंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो मुझे लगता है
10 या 25% चांसेस होंगे कि हमारे स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर स्टॉक में बीट हो सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा गाइस, और उसी तरीके से आप काम कर पाएंगे गाइस। अगर आप 100 स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स, 300 स्टॉक्स अगर आप अपने वॉच लिस्ट में रख लेंगे और अगर आप सबको ढूंढने बैठ जाएंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको ये कन्फ्यूजन होगी यार, अगर आपको इस चीज़ में बुरा लगेगा कि मैंने गाइस ये स्टॉक देखा है और जब तक मैं इस स्टॉक को समझ रहा था मेरा जो दूसरा स्टॉक था वो तो कब का निकल गया, मैं उसे देख ही नहीं पाया। सो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चार्ट की एनालिसिस करते हैं, एक स्टॉक की एनालिसिस करते हैं और जब तक हम उसकी एनालिसिस ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि लाइव मार्केट में जो मेरा दूसरा स्टॉक था वो कब का ऊपर भाग चुका और मैं देख ही नहीं पाया। सो इसलिए लिमिटेड स्टॉक्स की आप एनालिसिस करिए और उसके पैटर्न समझिए, उसका बिहेवियर समझिए। उसके बाद जब आपको सेंटीमेंट समझ में आ जाएगा, आप कोई भी स्टॉक देखेंगे आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। अब गाइस किस चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सबसे पहले है यूट्यूब वीडियोस। हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड होगी इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, 2 दिन वीडियो अपलोड होगी। वो एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख भी सकते हैं। अगर आपको बार बार देखना हो वहाँ पर मैं बार बार अपलोड कर दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात गाइज, आपके साथ PDF शेयर करूंगा मैं। PDF शेयर करने का मकसद ये है कि जब तक आप रीड नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो समझा क्या रहा है, तब तक आप लाइव मार्केट के थ्रू एनालिसिस नहीं कर सकते गाइस। पढ़ने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट भी मैं आपको करना सिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, जब मैं आपको PDF दे रहा हूँ तो वो आप उसे थोड़ा बहुत पढ़िए। क्योंकि गाइस आपको जब मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा तब आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मिस हो जाए, पर जब अगर आप PDF पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसा एक पॉइंट भी आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको आगे जाने फ्यूचर में बहुत काम दे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट्सएप ग्रुप। कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं करना थे, आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करा जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे। जो भी सीरियस ट्रेडर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए ही, पर्टिकुलर लिमिटेड लोगों के लिए ही मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और वो लोग ही जुड़ेंगे। उस ग्रुप पे क्या होगा, उस ग्रुप पे जब मैं आपको ये पर्टिकुलर चार्ट्स पैटर्न सिखाऊंगा, कि अगर मैंने आपके लिए फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में सिखाया, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे पैटर्न दिखता है तो मैं आपके साथ वो फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, बताऊंगा कि अब आप एनालिसिस करिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये पैटर्न बना है तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, या इस पर्टिकुलर स्टॉक का मैं आपको नाम सजेस्ट करूंगा तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या बिहेवियर होता है, कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। और आप भी जब एनालिसिस करेंगे तो आप उस ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए कि क्या हो रहा है। उससे जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उससे आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी। कुछ ग्रुप पे ऐसे भी लोग होंगे गाइस जो आपसे क्वेरी करेंगे, जो आपसे बातें करेंगे, और जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर गाइस मैं बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करने आऊँगा, अगर आप उन्हें सिर्फ सुनते रहोगे वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर अगर आप मेरे से पहले खुद उस पर्टिकुलर क्वेरी का रिस्पॉन्स करोगे सो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप आगे वाले जो टेक्निकल एनालिसिस का जो आगे की जर्नी है आप उसमें हल्के हल्के ऊपर बढ़ रहे हो। सो गाइस व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक तरीके से हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि जैसे चाय पे चर्चा जो आप देखते होंगे, CNBC आवाज़ अगर आप लोग देखते होंगे तो वो लोग करते हैं चाय पे चर्चा, हमारी ऐसे स्टॉक मार्केट की जो चर्चा है वो चलती रहेगी। मैं आप लोगों को उस पे पूरा सपोर्ट दूंगा, हम सारी बातें करेंगे कि स्टॉक मार्केट पे क्या चलेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें हम अपनी वहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स पे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। और गाइस अगला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स दूंगा। बुक्स इन द सेंस वो आपको जो बुक्स के नाम बताऊंगा, बुक्स के नाम गाइस टेक्निकल एनालिसिस के संबंध से बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको टेक्निकल एनालिसिस में अपने इस कोर्स में सिखा ही रहा हूँ तो आपको बुक्स के थ्रू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको PDF मिल जाएगा, PDF के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बुक्स आपको किस चीज़ के लिए है भाई, जब अगर आप करियर बना रहे हैं, जब आप कैरियर चूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपको ये देखना है कि आप जब पैसा कमाए तो उस पैसे को कहाँ लगाए, पैसों के साथ करें क्या, आप अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सो गाइस उसके लिए मैं आपको एक या दो या तीन बुक ही रिकमेंड करूंगा जो मेरी बहुत फेवरेट है, और गाइस मैं उसे 3 या 4 बार भी पढ़ चुका हूं, और अगर अभी भी पढ़ूंगा तो गाइस उसमें से मुझे फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ज़रूर पढ़िए, बहुत इजी लैंग्वेज पे आपको सिखाया गया, एक स्टोरी के बेसिस पे सिखाया जाता है उन बुक्स पे।
आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर अगर मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड वो कर दूंगा तो गाइज यूट्यूब पे उसकी समरी भी बहुत जगह अपलोडेड होती है उन बुक्स की, तो आप वो समरी भी जाके पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। या मैं उस बुक्स की आपके साथ PDF भी शेयर कर दूंगा तो वो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको जो रिच होते हैं उसकी जर्नी में पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गाइस न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस, गाइस ज़्यादातर हम देखते हैं कि 80% तो टेक्निकल फॉलो करता है, पर 20% जब हम देखते हैं न्यूज़ फॉलो करता है तो हम देखते हैं कि जो हमने 80% टेक्निकल एनालिसिस में जितना कमाया होता है उसका 20-30% तो न्यूज़ एनालिसिस अगर चली जाए और अगर हम उसमें फेल हो जाए टेक्निकल एनालिसिस में तो लॉस 20-30% हो ही जाता है। सो गाइस उसको भी समझना ज़रूरी है कि हम अपने लॉस को कवर कैसे करें और उसके बेव में ट्रेड कैसे लें। इसी तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ अगली वीडियो में शेयर हो जाएंगी। इसी महीने के एंड से पहले पहले आपके साथ ऐसी एक और वीडियो आएगी। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग सपोर्ट करिए गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी इस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू में जाना चाहते हैं वो उनसे बोलिए कि हमारा ये कोर्स परस्यू करे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैं आपके साथ ये शेयर कराया अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ आया है और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, अगर आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है और मुझे भेज देना है और लिखना है आगे ज्वाइन या नॉट ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे आप अपना नाम लिखिए और उसके बाद आप सेंड कर दीजिएगा। जितने भी मैं देखूंगा मुझे मिल जाएंगे, मैं नाम नोट कर लूंगा और उसके बाद अगर आप ईमेल एड्रेस भी देना चाहते हैं तो आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात मत करिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपको कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको ईमेल या वो जो यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन पे आपसे सबसे मैं बात करूँगा गाइस। ये लगातार इस पूरे महीने आपसे बात होगी और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी गाइस। सो अभी सारी अपडेट्स पाने के लिए कि अब मैं बीच बीच में क्या क्या नए नए अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ इस महीने के अंदर और मैं शायद अगर उसकी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ टाइम से, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ट्रेड डीलर्स करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़िए। उस पर मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा कि अब मैं नया क्या करने वाला हूँ और कैसे हम ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप का अगर नंबर भी देना होगा तो मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी गाइज, जाके फॉलो करिए। कोई भी आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे मेल करिए तो मैं आपकी सारी क्वेरी को दूर कर दूंगा और वहाँ पर मैं आपसे सारी बातें करूँगा। पर गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पक्की बात सीखना चाहते हैं गाइस तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हफ्ते में जो बाकी दिन होंगे उस पर जो मैं आपके साथ सेम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेकर आता हूँ और पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपके लिए इंट्राडे में लेकर आता हूँ उसे भी आपके साथ में लेकर आते हुए रहूँगा और ये सारी चीज़ें आपके साइट में गाइस शेयर ज़रूर करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ आप कोऑपरेट करेंगे तो आप आगे जाके अच्छे से मार्केट को देख पाएंगे और मैं आपको बता सकता हूँ गाइज मैं आपके साथ अपना शेयर भी एक्सपीरियंस करूँगा। बहुत सी वीडियोस में मैंने इस जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मैंने क्या क्या लॉसेस फेस करे। हाँ गाइज मुझे अभी भी लॉसेस होते हैं क्योंकि मैं कुछ गलतियाँ कर देता हूँ, पर वो कैसे सुधारनी चाहिए, मैंने अपने पूरे 5 साल की जर्नी में ऐसा क्या करा कि मैं बिना किसी से सीखे सीख गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं गाइज शेयर करूँगा, अपना पूरा बैकग्राउंड जर्नी का शेयर करूंगा। गाइस मेरे साथ बने रहिए, कमेंट सेक्शन को गाइस भर दीजिएगा अपने सपोर्ट के साथ और मेरे सपोर्ट के साथ। और गाइस इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ मैंने इस वीडियो को 5 जगह शेयर करा, मैंने अपने वीडियोस को इस जगह में भेजा, तो गाइस मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे अच्छे दूंगा। गाइस कोऑपरेट करेंगे तो हम इस जर्नी में बहुत अच्छे से जाएंगे। सो गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स एडवांस्ड कोर्स है, ये आपको फ्यूचर पे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देगा। आगे जाके अगर आप कहीं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब भी करेंगे तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको कोई मना नहीं कर पाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ गाइस कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि गाइस आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी तो होगी जो आप देखते होंगे कि आप उसको फॉलो करते होंगे। नहीं गाइस, गाइस मुझे किसी ने कोई स्ट्रैटेजी सिखाई नहीं कि कैसे देखा जाता है क्या करा जाता है। मेरा है सिर्फ दिमाग,
मैं अपनी आंखों से देखकर बता सकता हूँ कि इन स्टॉक में क्या चल रहा है, वो ही मेरी स्ट्रैटेजी है, ये पैटर्न्स ही मेरी स्ट्रैटेजी है। और अगर आपके पास ये है तो मार्केट कोई भी अडेप्शन ले ले, मार्केट बियर फेज में चले जाए, बुलिश फेज में चले जाए, साइडवेज चले जाए, अगर मेरे जैसा अगर आपके पास अडेप्शन आ गया कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पर तब भी अगर आपको सब पता है, तब आप मार्केट के साथ चलते रहेंगे, चाहे मार्केट नीचे जाए तो भी आप उसके साथ पैसा कमाएंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए तो भी आप उसके साथ पैसा कमाएंगे। गाइस ये जो चीज़ें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मैं बहुत पहली बार कर रहा हूँ। गाइस मैं आपका अगर आप बताऊँ तो मेरी कोचिंग्स भी चल रही हैं, जो मेरी हायर लेवल CFA की कोचिंग्स हैं और हायर जो मार्केट टेक्नीशियंस की भी कोर्सेज हैं, जो मेरी कोचिंग चल रही है उस पर गाइस मैं जो मेरी दिन की कोचिंग है वो 7-8 घंटे की होती है रेगुलरली। तो गाइस मैं बहुत बिजी रहता हूँ पर तब भी मैं आपके साथ ये जुड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ये मैं आगे लोगों को नहीं सिखा पा रहा, जो लोग हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर जाके लोगों से मिलते हैं, गाइस मैं अगर नहीं मिल पा रहा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक YouTube पे ऐसा बेस बनाऊँ, जो हमें एक ऐसा YouTube प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मैं वहाँ पर ही अपना एक ऐसा बेस बनाऊँ लोगों का कि वो मेरे साथ जुड़े, वो मेरी बातें समझे और हम लोग एक फैमिली की तरह रहें और वहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते रहें। और गाइज मैं एक ऐसा गुरु नहीं हूँ कि अगर आपको सिखा दिया तो वहाँ पर आपका और मेरा काम ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ये व्हाट्सएप ग्रुप लाइफ टाइम में रहेगा, इसके साथ हम जुड़े रहेंगे, जब तक मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तब तक मैं आपके साथ जुड़े रहूँगा, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में मिलेगा, कोई मनाही नहीं है। पर गाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे कि गाइज मुझे सर इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कराइए, अगर आप मुझे ये बता दीजिए कि कल मार्केट में कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, तो गाइज वो मैं आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे ढूंढा जाता है, ये चीज़ का काम मेरा नहीं है। सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अपना कोऑपरेशन नीचे ज़रूर दिखाइए या मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने शेयर करे हैं या लाइक कर रहे हैं गाइज। और दूसरी बात, इस वीडियो को जितना फैलाएंगे उतना हम देख सकते हैं कि मार्केट पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो मार्केट की तरफ बढ़ेगी, तो पैसा जो फ्लो है वो उसका वो भी इंक्रीज़ होगा और हम अच्छे से पैसा कमा सकेंगे। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। और फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए है गाइस जो एडवांस ट्रेनिंग भी, जिसे थोड़ा बहुत पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो जिस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों को आता है ये चीज़ और थोड़ा बहुत अच्छे से आता है, सो मैं उनसे भी ये कोऑपरेशन करूँगा कि मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूँ या मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, सो आप मुझे उस वहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए कि हाँ आपको इतनी नॉलेज है, आप ये कर चुके हैं, आपको मार्केट के बारे में समझ है, आपको ये सब देखना आता है, तो गाइस मैं और आप जुड़ के भी कुछ काम कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं खुद जाता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उन्हें ये नॉलेज है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी जितनी या मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, सो गाइस वो मेरे साथ जुड़िए, हम साथ में मिलकर प्रोवाइड कराएंगे। और इससे गाइस सबसे पहले होगा ये कि आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और अगर आप लोग को आप लोगों को लोग नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों को लोग देखना भी शुरू कर देंगे। सो गाइस अगर कोई यूट्यूब चैनल जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अगर वो ये भी देख रहा है, ये वीडियो भी देख रहा है, सो मैं उससे यही दरख्वास्त करूँगा, अगर आप अच्छे हो या मुझे पता है आप अच्छे हो तभी आप यूट्यूब चैनल पर आए हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आप तभी यूट्यूब चैनल पर आए हो, वरना कोई नहीं आता। सो गाइस अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए, इस पर्टिकुलर जो मैं आप ये सिस्टम लेकर आने वाला हूँ, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते तो गाइज आप मुझे ईमेल करिए या अगर आप मेरे नंबर पे भी लिखेंगे तो गाइज हम बात कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और फ्यूचर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो हमारा फ्यूचर है उसको स्कोप करते हुए हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज वीडियो को लाइक करिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये 400-500 लोग ना देखे, ये बहुत लोग देखे, ये गाइस व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस पे वैसे भी 400-500 व्यूज़ आते हैं, मैं उन पर खुश हूँ क्योंकि वो रेगुलरली आते हैं और वो रेगुलरली देखते हैं मेरी वीडियोस। गाइस मेरे पास रेगुलरली फ़ोन्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि हम आपकी रेगुलरली वीडियोज़ देखते हैं, बस यही है। अगर 500 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और अगर आपके साथ आपके अगली वीडियो में कोई 10,000 लोग देख रहे हैं, वो एक टाइम के लिए देख रहे हैं, वो गाइस अच्छी चीज़ नहीं है। जो आपके साथ रेगुलरली आपके हर फेज़ में जुड़े हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मेरे रियल फैमिली है। सो गाइज मैं आपके साथ यही सलाह दूंगा, जो इम्पॉर्टेंट इसे लेना चाहते हैं वो फैलाएं और उनसे दरख्वास्त करिए कि इसे देखकर कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए कि क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम और अच्छे से इसे लेकर आ सकते हैं या आपसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से
किस पैनल या किस सिस्टम के थ्रू, सब चीज़ें डिटेल शेयर करिए। एक एक बंदे का रिप्लाई गाइज मैं ज़रूर देने वाला हूँ, सारी क्वेरी जो होगी इससे रिलेटेड मैं सारी सॉल्व करूँगा। या अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ही वो मुझे फ़ोन करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए, वरना आप प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के शायद फ़ोन या व्हाट्सएप के रिप्लाई ना दे पाऊँ। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल है, यूट्यूब का आइकन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा के गाइस बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन से होगा ये जो भी ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ वो आपके यूट्यूब पर सबसे पहले शो हो जाएंगी, सबसे पहले मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर शो हो जाएगी और आप जाके देख सकेंगे। तो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ।